सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल हब पे ईआर अखिलेश क्लासेस फॉर यू में। इस चैनल पे आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको देख ले। ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप क्योंकि सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, आपको मिलता नहीं है, सर्च करते रहते हैं, नहीं मिलता है, तो आपके लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किसका सॉल्यूशन चाहिए, उसका सॉल्यूशन टाइम मिलते ही मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात ये बता दूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं आप, इसका सॉल्यूशन पहले पूरा देख लें, वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका सॉल्यूशन आपके काम का है या नहीं है। एक्चुअल में सॉल्यूशन उसी हिसाब से होता है जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स लिखते हैं, उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन किए गए हैं। तो इन सॉल्यूशंस को ध्यान से देख लें। इनकी पीडीएफ लिंक आप इस सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं मैं, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती तो जहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर की, इस सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, वहां पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक वीडियो बना के डाला हुआ है उसकी लिंक, पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करें। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका उसमें बताया गया है, तो आप पीडीएफ को उस वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कई बच्चों का कमेंट आया, सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं ताकि आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से क्वेश्चन पेपर देख लें। और उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर पीडीएफ डाउनलोड करने की जो वीडियो है उसकी भी लिंक है उसी पेपर के, क्वेश्चन पेपर के लिंक के नीचे, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड करूं या मॉडल पेपर अपलोड करूं या फिर सैम्पल पेपर या प्री बोर्ड पेपर अपलोड करूं, तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको उसको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप बने रहें इस चैनल के साथ में और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो में जो सॉल्यूशन है वो पूरा किया गया है, केवल आंसर नहीं बताया कि हाँ ए बी सी डी में से सी होगा, लेकिन सी क्यों होगा उसका आंसर जो है सॉल्यूशन के रूप में उसमें बताया गया है कि हाँ सी क्यों होगा, सॉल्व किया गया है। तो इसको आराम से देखें, आप समझे कि सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको टिक करना होता है ए बी सी या डी में से, तो आपको टिक करने से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है तो ही आपको आंसर पता चलता है। तो इस तरह से इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि हाँ उसका आंसर ए बी या सी क्यों होगा। तो इसको आप पूरे क्वेश्चन पेपर को आसानी से आराम से देख लें। अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को पॉज कर दें और पॉज करके धीरे धीरे वीडियो को पूरा देखें, आराम से देखें। यूट्यूब में वीडियो को स्लो मोशन में चलाने का भी ऑप्शन आता है। अगर आप अच्छे यूट्यूबर हैं, अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी। यूट्यूब पे ये भी बताया जाता है कि आप क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो अगर साफ नहीं दिखाई देता है तो आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको पता नहीं है तो। जो वीडियो आप सामने देख रहे हैं चल रही है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करते ही केवल उंगली से टैप करें। टैप करते ही आप देखेंगे राइट कॉर्नर में चार कोने होते हैं वीडियो के, तो राइट कोने का कॉर्नर में ऊपर की तरफ तीन डॉट छोटे छोटे दिखाई देंगे वाइट कलर के, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर एक पॉपअप विंडो खुलेगा। उस पॉपअप विंडो पे क्लिक देखेंगे क्वालिटी का, प्लेबैक का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप प्लेबैक से स्पीड को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। और क्वालिटी में जाके कम से कम 480p सेलेक्ट करें। 480p बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। 360p भी अच्छी है, लेकिन उससे बेस्ट क्वालिटी है 480p, या फिर उससे ज़्यादा वाली क्वालिटी को आप सेलेक्ट कर दें। वीडियो 2-3 सेकंड के बाद एकदम साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देगा HD में, तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके जो सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूँ, तो इनको आप आसानी से देख लें। और आने वाले समय में आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो और भी जो सॉल्यूशन चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी
मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो 10th और 12th के बाद होते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए, वो भी डाल दिए हैं। आपके और भी जी के पेपर, NTSC के पेपर, नीट के पेपर, ये सारे के सारे पेपर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि समय कम होता है और बोर्ड्स बहुत सारे हैं। अगर एक बोर्ड का भी पेपर अपलोड करूँ तो मुझे एक महीना लग जाएगा पूरे पेपर्स को अपलोड करने में। तो मैं इसीलिए जैसे जैसे लोगों का कमेंट आता है मैं वैसे वैसे उनके पेपर्स अपलोड करता रहता हूँ। आप जानते हैं इंडिया में बोर्ड्स की कमी नहीं है, जितने स्टेट्स हैं उतने बोर्ड्स हैं, लेकिन हाँ सिलेबस सबका सेम होता है, बस केवल 10 to 20% सिलेबस सभी का अलग अलग होता है, कुछ चैप्टर अलग अलग होते हैं, बाकी सिलेबस आपका 80% किसी भी आप बोर्ड को उठा लीजिए, हर बोर्ड का 80% सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथमेटिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, ऑल ओवर किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारा का सारा सिलेबस बिल्कुल सेम होता है 80%। केवल 20% चेंज होता है, वो स्टेट वाइड इसलिए चेंज करते हैं कि उस स्टेट की जानकारी के लिए उसमें 20% मटेरियल डाला जाता है, जिस बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, इसलिए वो सिलेबस 20% आपका चेंज होता है। और बता दूं आपको, कुछ फेक वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखता हूं जिसमें ये लिखा रहता है पेपर लीक, जल्दी देखें वीडियो, तो इन पेपर लीक वाले वीडियो से बहुत सावधान रहें। इससे क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपका माइंड है ना भ्रमित हो जाता है, आप क्या उसके पीछे भागते हैं कि पेपर लीक हो गया, चलो इस क्वेश्चन पेपर को रट लेते हैं, और आप रट लेते हो और एग्जाम देते हो तो पता चला आप फेल हो गए क्योंकि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया या फिर एक दो क्वेश्चन आए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी कोई पेपर लीक नहीं हो सकता है। अगर लीक हो भी जाता है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये पेपर लीक हो चुका है, न्यूज़ में आ जाता है और उस पेपर को रद्द कर दिया जाता है, वो पेपर कभी दोबारा नहीं होता, दूसरा पेपर बनेगा, डेट आपकी चेंज हो जाएगी, उसके बाद वो दूसरा पेपर बन के आएगा और फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। आपने अभी तक ये न्यूज़ में भी देखा होगा, कोई भी पेपर लीक होता है तो उसकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो चेंज हो जाती है, रद्द हो जाती है। तो ऐसे वीडियो से सावधान रहें। बहुत सारे वीडियोस चैनल्स में देखता हूँ जिस पर अपलोड किए जाते हैं पेपर लीक हुआ, 2019 का पेपर लीक हुआ, 2020 का पेपर लीक हुआ, 2021 का पेपर लीक हुआ। ये ऐसे लीक कर देते हैं जैसे इनके घर में ये पेपर बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप सावधान रहें, अपने मन को बचाएं, केवल अच्छे क्वेश्चंस पेपर पढ़ें, मॉडल पेपर्स पढ़ें, अपने सिलेबस के हिसाब से चलें, इन चीज़ों में ना पढ़ें कि पेपर लीक हुआ। बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपके भलाई के लिए कह रहा हूं मैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप इसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट मैं जहां तक जानता हूं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज तक के इतिहास में कोई पेपर लीक अगर हुआ है तो उसके एग्ज़ाम भी रद्द हुए हैं। अगर एग्ज़ाम आपके हो गए सपोज करो और वो पेपर पता चल गया कि वो लीक था और आपके एग्ज़ाम हो गए, तो आपके एग्ज़ाम को फिर से वो पूरी मेहनत आपकी पानी में जाएगी, उसको कैंसिल करके दोबारा कराया जाता है। आपको ये भी पता है अभी लास्ट ईयर CBSE का 12th का पेपर लीक हुआ था, उस बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी। उस पेपर को जब लीक किया गया तो जो CBSE बोर्ड है उसके पास तक ये न्यूज़ पहुंच गई थी, उन्होंने CIB को ये केस हैंडओवर कर दिया था, उन लोगों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन जो एग्ज़ाम्स हैं उसको दोबारा रिकंडक्ट कराया गया, जो पेपर लीक हुआ था उसके एग्ज़ाम को दोबारा कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी बोर्ड अपने पेपर को लीक नहीं होने दे सकता, अगर वो करेगा तो उस बोर्ड की बदनामी होगी और जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उस बोर्ड में उस बच्चे का एडमिशन नहीं कराएंगे, क्योंकि जब पेपर ही लीक हो जाएगा सबसे पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर पता हो जाएगा तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं, केवल आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे, आप एजुकेशन नहीं लेंगे, केवल आप रटेंगे। तो रटना मत, समझना और समझ करके अपनी तैयारी करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट हमेशा पास कर सकते हैं, आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम रहेगा। मेरे चैनल पे जितने भी कमेंट आते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं है किसी दूसरे चैनल्स की तरह कि आप कमेंट कर दो उसका रिप्लाई ना आए। मेरे चैनल पे आप कमेंट करिए, अगर वो सेंसिबल कमेंट होगा, अच्छा कमेंट होगा, जिसकी ऐसे लगे कि हाँ उसको उसकी रिप्लाई देना ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर दूंगा, बिल्कुल 100% दूंगा। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अब तक आपने लाइक बटन तो प्रेस कर ही दिया होगा, साथ में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया होगा। दोस्तों के साथ शेयर का बटन आता है वहाँ पर, एक
तीर घुमा हुआ उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी सोशल साइट पे